अभी भी आरएस में भी कुछ का सिलेक्शन हुआ, रैंक कम मिली है। आरपीएस में जैसे हमें दे देगा वो नरेंद्र नागर हुआ है, कुछ आरएस में भी हुआ है, तो कुछ का हुआ है। पर दूसरे जो अन्य विभाग है उनमें डॉक्टर्स में तो लाइन ही है, डॉक्टर साहब तो डॉक्टर्स में तो कहीं ना कहीं हम उनको कहीं ना कहीं मिल जाता है। वास्तव में किसी भी जगह चले जाओ, किसी प्राइवेट अस्पताल में चले जाना या कोटा के किसी में, कहीं ना कहीं अपने समाज का बंधु मिलता है वास्तव में। मां लग गया और मैं इसलिए कि मेरे भी तीन दो बेटियां हैं और एक बेटा है, तो दो तो मैंने डॉक्टर बना दी, मतलब एक को तो बनी गया, मतलब उसकी तो पूरी हो ही रही है, एक को इस बार गीतांजलि में उसका एडमिशन करा दिया, एक बेटी और बची है। तो कहीं ना कहीं रहता है कि पर वो मैं यही कहता हूं कि तुम डॉक्टर भी बन गए, पर डॉक्टर के बाद भी आप आगे पढ़ने की सोचो कि डॉक्टर तो बन ही गए, कोई बात नहीं, अब क्या दिक्कत है। अच्छा, वो लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं जिनको दिक्कत नहीं होती। कहीं कहीं फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे भेजने के बाद उसको कहीं कहीं जॉब दिलाना हो सकता है, पर कहीं कहीं ऐसे लोग भी है जिनको आवश्यकता नहीं है, तो उनको तो उसके बाद भी कहीं कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए कि वो डॉक्टर भी बन गया, कुछ भी बन गया, उसके बाद और प्रयास करके, प्रयास तो करो। कहीं कहीं बहुत सारे लोग जो आईएएस भी है वो डॉक्टर भी है, अपन देख रहे हैं आईआईटीएन भी है, उसके बाद वो निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार का समाज का प्रयास निश्चित रूप से हो, कार्यक्रम जो भी हो समाज को अच्छाई के लिए, समाज को मैसेज देने के लिए होता है, क्योंकि और ऐसे ही कार्यक्रम अपन को निश्चित रूप से करना चाहिए जिससे समाज में मैसेज जाए, अन्य समाज में मैसेज जाए कि कार्यक्रम वास्तव में समाज में इस प्रकार के कार्यक्रम और आयोजन निश्चित रूप से हो रहे हैं। साथ ही मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ क्योंकि सर्दी का भी समय है और सबको जाना भी है। अच्छी बात तो यही कि अभी तक सब लोग बैठे हैं, नहीं तो ऐसी स्थिति भी मैंने देखी है कि एक बार जिनको पुरस्कार जिनको दे दिया, प्रमाण पत्र जिनको मिल गए, वो उनके माता पिता उसको लेकर निकले जाते, बच्चे तो निकले जाते, पर आप सब लोग बैठे हैं, प्रशंसा का विषय है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजन समिति को, विशेष रूप से रामकृष्ण जी को, तो जो स्थिति मैंने तो आज देखी, राम सिंह जी को तो कितने दिनों से घर में बैठे हैं, मैंने उनका भी सुना था, पर राम सिंह जी के बाद रामकृष्ण जी भी आज ऐसी स्थिति में बैठे हैं। मंच संचालन करने वाले प्रहलाद जी जो पिछले तीन चार दिन से प्रयास करते हैं कि आना ही है, निश्चित रूप से प्रोग्राम दिया है तो आना ही होता है, हम हमेशा प्रयास करते हैं क्योंकि एक कार्यक्रम बहाना होता है मिलने का, कहेंगे एक दूसरे के दर्शन करने का, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करने का, एक दूसरे की प्रतिभा को पहचानने का, जानने का एक अवसर मिलता है। इसी वजह से प्रतिभावान सम्मान समारोह होता है और साथ ही युवक और युवती प्रति सम्मेलन भी इसीलिए होते हैं कि कहीं कहीं उससे भी लाभ मिलते हैं। और विशेष रूप से झालावाड़ में तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और बारह में तो हर जगह हर बार हर समय प्रोग्राम होते हैं, हर बार उनके कर्मचारी संघ ने यही कर रहा है कि हर बार उनको कहीं ना कहीं करना ही होता है, तो वो करते ही रहते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन होते रहे हैं और समाज को एक नई दिशा मिलती रहे, और समाज में जो कुरीतियां उसको भूलकर समाज का सारा जो फोकस है वो एजुकेशन पे हो, क्योंकि एक कहावत है कि पूत सपूत तो क्यों धन सिंचित, पूत कपूत तो क्यों धन सिंचित, तो वो बिल्कुल चरितार्थ है वो कहावत, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बच्चों बेटों को पढ़ाना है, जो भी है उसको करना है। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात का विराम देता हूँ कि आज के लगभग छह साल पहले जब मैं बेटे को एडमिशन कराने के लिए साउथ गया, उस समय एक नाम याद नहीं आ रहा, मैं एक पट्टीदार समाज का एक बंदा था इधर पिड़ावा साइड से, उसकी स्थिति यह थी कि उसकी जितनी जमीन थी उसको बेच के उसका एडमिशन उसको कराना था। मैंने कहा कितना एमएलए साहब, मैं मेरे पास जो जमीन है उसका मैं सौदा करके आया हूँ और सौदा करके मैं उस जमीन को बेच के इसको डॉक्टर बना दूंगा, इसका एडमिशन हो जाए। इतनी बड़ी सोच उसकी, जमीन को बेच के मेरे को क्या करना है, यदि जमीन बेच के मैं इसको डॉक्टर बना दूंगा तो जमीन क्या, जमीन तो इससे भी ज्यादा ये खरीद लेगा, ऐसी सोच भी है वास्तव में, क्योंकि ये ऐसी शिक्षा ऐसी है उसको कोई छीन नहीं सकता, हर चीज को छीनने का हर कोई आदमी प्रयास करता है, पर ये जो हमारे पास ताकत है शिक्षा एजुकेशन जो, उसको कोई कुछ छीन नहीं सकता है, तो ये सबसे बड़ी ताकत समाज की यही है। और यदि शिक्षा में हम आगे बढ़े तो कोई भी ताकत समाज की, कोई भी अन्य संगठन हो, हमें पीछा धकेलने का कितना ही प्रयास करे पर हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने का हमेशा प्रयास करेंगे। आप लोगों ने जो स्वागत
प्रतिभाएं बढ़ती आयाम हो और अगर हमारे मन में संकल्प है या माता पिता ने संकल्प कर लिया तो निश्चित है कि वो बालक या बालिका उन्नति करता है। मैं आपको तीन उदाहरण के माध्यम से इसको कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि मेरे साथ एक मैनेजर साहब थे, नाम रविंद्र जोशी है, वीडियो है। जब मेरा पोस्टिंग हुआ तो मेरा उनसे संपर्क हुआ। मैं इन बालकों के लिए कह रहा हूं, ये घटना मैं उन बालक और बालिकाओं को समर्पित कर रहा हूं जो आज पुरस्कार ले चुके हैं। जब बात चलती है कि वो एग्रीकल्चर से बीटेक थे, हाड़ौती बैंक में मैनेजर बने, जब उनसे पूछा कि तुम बीटेक और हाड़ौती बैंक में मैनेजर कैसे बने तो उन्होंने कहा मैंने जब फार्म भरा तो 100 पद थे, 100 पद में से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि पहले नंबर का पद तो मेरा है, बाकी 99 पे कोई भी जाए। और वास्तव में उन्होंने जो सोचा उसके बाद वो हाड़ौती बैंक में मैनेजर बने, उसके बाद फिर डाइवर्ट हुए, डाइवर्ट होने के बाद अजमेर में वो जेएन बने, एएन बने और आज बीडीओ हैं। जहां चाह है वहां राह है, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा हमारे जिले के आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब, बहुत अच्छे से परिचित हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ सिहाग साहब का नाम सबने सुन रखा होगा, जो हमारे भूतपूर्व कलेक्टर रहे हैं। वो देखिए आप उनकी कहानी देखिए, वो पहले सुप्रीम कोर्ट में जज बने पर मन में संकल्प था मुझे कलेक्टर बनना है, पद छोड़ा जज बनने के बाद, हमारे यहां तो मास्टर बनने के बाद भी नहीं छोड़ते, थर्ड ग्रेड में बन गया तो सेकंड ग्रेड की नहीं सोचते। अभी भी मैं अपने भाइयों के बारे में कह सकता हूं कि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो थर्ड ग्रेड में बुड्ढे हुए, उन्होंने बढ़े नहीं। डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह साहब हाई कोर्ट में जज बने, उनके मन में था, उन्होंने आईपीएस दिया, वो आईपीएस बने, फिर पीछा नहीं छोड़ा, फिर आईएएस दिया और वो कलेक्टर बने और हमारे जिले में कलेक्टर रह चुके हैं। दोनों पति पत्नी कलेक्टर हैं। पहले वो जब झालावाड़ में कलेक्टर थे तब उनकी श्रीमती जी बूंदी में कलेक्टर थी। ये दूसरा उदाहरण बता रहा हूं आपको। तीसरा उदाहरण देता हूं इन बालिकाओं को समर्पित करते हुए, आज जो हमारी कलेक्टर है डॉक्टर भारती जी दीक्षित, वो भी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और उन्होंने सोच लिया, डॉक्टर है, एमबीबीएस है। जब डॉक्टर अभी बात कर रहे थे एमएलए साहब की, एक बेटा डॉक्टर बन गया, एक बेटी डॉक्टर बन गई, पर उन्होंने उसको पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा मुझे तो डॉक्टर से संतुष्ट नहीं हो, 2 महीने और एक जब एमबीबीएस से डॉक्टर बनने के बाद अपनी तैयारी की और अपने मम्मी पापा, जैसे महिमा ने एक बात कही थी, उनके मम्मी पापा कभी नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी और आगे बढ़े, बस बन गया डॉक्टर बनने का, नहीं मुझे यहाँ स्टेबल नहीं होना है या स्थिर नहीं होना है, और उन्होंने आईएएस दिया और वो कलेक्टर बनी और आज हमारे जिले की कलेक्टर है। इसलिए वास्तव में जहां हम सोचते हैं, जहां चाह होती है वहां राह होती है, इस प्रकार की बात को हमें ध्यान में रखना है और बेटियों को स्टेबल नहीं रहना है, स्थिर नहीं रहना है, इस जमाने से नहीं डरना है, आगे बढ़ना है, ऐसा हम सोचते हैं। एक सूचना और मैं आपको देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, हमारे एक साथी के द्वारा एक बहुत अच्छा फार्मेसी का एक 5 फरवरी को झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 संजीवनी अस्पताल के आगे सरकार भवन के सामने नागर फार्मेसी के नाम से उद्घाटन किया जाएगा, नागर फार्मेसी, जहाँ पे सभी समाज बंधु जो यहाँ आज आमंत्रित है आप सभी वहाँ भी सादर आमंत्रित है। 5 फरवरी को आप सब पधारे, प्रदीप जी और बबलू जी, प्रहलाद जी, सन ऑफ श्री प्रहलाद जी, नागर मेडिकल भीलवाड़ी हनौतिया गादिया वालों की तरफ से आप सबके लिए विशेष संदेश है। और एक सूचना और मैं देना चाहूंगा भवानी मंडी क्षेत्र के रहने वाले हमारे समस्त स्वजाति बंधुओं के लिए, इन बालिकाओं के लिए, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कौशल और संस्कार शिविर, कौशल और संस्कार की, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय एक बहुत अच्छी घोषणा करेंगे आपके सामने, हम प्रतीक्षा करेंगे उसकी घोषणा होगी, जिसके बारे में आदरणीय शिवजी भाई साहब को समय कम पड़ गया था, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि अपने समय को बस हम समापन की ओर है, धन्यवाद होगा। एक दो सूचनाएं हैं इसलिए मैं दे रहा हूं, इसीलिए हमने किसी को नहीं, माननीय मुख्य अतिथि महोदय के अलावा हमने किसी को नहीं सुना, क्योंकि हम सबको सुनते रहते हैं, अतिथि महोदय को कभी कभी सुनते हैं। तो मैं बालिकाओं के लिए जानकारी देना चाह रहा था, कन्या कौशल एवं संस्कार शिविर का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ भवानी मंडी के माध्यम से आदर्श विद्या मंदिर भवानी मंडी में किया जा रहा है, जिसमें
छठी से लगाकर बारहवीं तक की समस्त बालिकाएं सादर आमंत्रित हैं। वहां पे शुल्क रखा गया है, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगले इतवार को 9 बजे से शाम को 4 बजे तक संस्कार शिविर का आयोजन वहां होगा। बहुत अच्छे साहित्य दिए जाएंगे। शांति कुंज हरिद्वार की टोली मेंटली करियर स्वास्थ्य और आपके जीवन में आगे बढ़ने से संबंधित जानकारी आपको प्रदान करने के लिए वहां उपस्थित रहेंगी। समस्त कार्यक्रम निशुल्क शांति कुंज हरिद्वार की टोली के द्वारा किया जा रहा है और भवानी मंडी शक्तिपीठ के माध्यम से किया जा रहा है। तो जो भी परिजन ये अपनी बालिकाएं छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक पढ़ती है, तो आप निश्चित रूप से संडे के दिन अगले इतवार को आप उन्हें वहां ले जाए और आदर्श विद्या मंदिर में आप उनको अवश्य भाग दिलाएं, क्योंकि संस्कार और अगर जीवन कौशल किसी को आ जाता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखें। 500 रुपए आदरणीय बालाराम जी ढाबला वालों की तरफ से इस प्रतियोगिता आयोजन के लिए सहयोग राशि के रूप में दिए गए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री राम किशन जी भाई साहब को, पधारे और अपनी बात उद्बोधित करें, उद्बोधन दें। राम किशन जी नागर साहब जो इस कार्यक्रम के सूत्र आ जाएंगे और तालियां होनी चाहिए राम किशन जी के लिए कि ऐसी विषम परिस्थिति में आपने श्रेष्ठ कार्यक्रम को अंजाम देने का प्रयास किया। आदरणीय राम किशन जी, जय धनीधर भगवान। आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मंचासीन जिनका हमारे ऊपर विशेष प्रेम रहता है, जब जब भी हम इनको याद करते हैं, कानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नरेंद्र जी नागर साहब और अभी अभी मंच से पधार चुके आदरणीय देवीलाल जी धाकड़ साहब और हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष हीरालाल जी नागर, गोविंद जी धाकड़ और इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाले में जो कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष हैं पृथ्वी सिंह जी, तूफान जी, साथ ही मंचाल सिंह, सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी समाज बंधु और आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाली हमारी प्रतिभा है जो विभिन्न क्षेत्रों से जिन्होंने यहाँ आकर के अपने प्रतिभा के बल पर पुरस्कार प्राप्त किया है, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने अपने समाज के गौरव बढ़ाया और आगे उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही जब जब भी छात्रावास में इस प्रकार के आयोजन होते हैं, हमारे इस छात्रावास का एक सौभाग्य है कि यहाँ पर जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उनका आगमन इस छात्रावास में हुआ है। साथ ही छात्रावास में हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी का भी आयोजन किया है और राष्ट्रीय महिला इकाई का भी यहाँ पर एक अधिवेशन हो चुका है। तो एक मायने में छात्रावास बहुत ही सौभाग्यशाली है कि देश में कई हस्तियों ने इसमें आकर के अपना योगदान दिया और हमारे विधायक साहब का विशेष योगदान है कि जब जब भी हम इनको याद करते हैं, पूरे दिन हमारे बीच में रहते हैं, तो बहुत बहुत आभार। विकट परिस्थिति में इस कार्यक्रम के लिए सुनील में मीटिंग रखी गई थी तो मैं उधर से आ रहा था, बीच में दुर्घटना हो गई, फिर भी लोगों की जो अपेक्षाएं थी कि आपको आना है तो मैं कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, आपने अपना अमूल्य समय निकाला। साथ ही इस आयोजन में हम जब भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, हमारे आर्थोपेडिक ट्रमा सेंटर झालावाड़ वाले जो डॉक्टर साहब हैं वो सहर्ष इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करते हैं। साथ ही बेरुलाल जी नागर जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया है उनका भी बहुत बहुत आभार, और बहुत बहुत आभार उनका जो विनोद जी नागर हैं जो इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित नहीं हो चुके, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम में जितनी भी प्रतिभा सम्मानित हुई है
उनको ट्रॉफी देने का उन्होंने सहयोग किया, उनका भी बहुत बहुत आभार। साथ ही झालापाटन समिति जो नगर की है, उन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं, आपके चाहे अल्पाहार की हो, चाय की हो या भोजन की हो, झालापाटन नगर के वासियों ने किए, उनका बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। क्योंकि हमेशा झालापाटन का यहाँ बहुत ही सहयोग रहता है और जब भी कार्यक्रम होता है सारी व्यवस्थाएं ये संभालते हैं। साथ ही हमारे धाकड़ समाज के जो कर्मचारीगण हैं, उन्होंने अपनी यथा स्थिति यथा योग्य इसमें जो योगदान दिया है और पूरी तन मन धन से, चाहे ज्ञान जी है, तूफान जी है, प्रति सिंह जी है, वृद्धि लाल जी है, और उनमें सबसे ज्यादा योगदान इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने में जो प्रेरणा रही है वो है राम प्रसाद जी कंपाउंडर साहब प्रत्येक हेडी, क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत करी है कार्यक्रम की कि कार्यक्रम आपके छात्रावास में करना है, और उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और वो यहाँ आगे नहीं बैठ करके एक तरफ छुप के बैठे हैं। बाकी उन्होंने प्रेरणा हमें उन्हें दी है, तो उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से उनका स्वागत धन्यवाद। साथ ही हमारे समाज में समाज बंधुओं ने विभिन्न क्षेत्रों में जो काम किया है वो तारीफ के काबिल है, और इस कार्यक्रम को हमने किसी प्रकार की बंदिश में नहीं बांधा है कि हमारे क्षेत्र में केवल 80 गांव की प्रतिभाएं सम्मानित की जाएगी या केवल झालावाड़ जिले की प्रतिभाएं सम्मानित की जाएगी। हमने इस कार्यक्रम में कोटा जिले की भी प्रतिभाओं को सम्मानित किया है, 80 गांव सुनील क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया है, खानपुर क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित किया है, और यहाँ तक कि बेवकू की एक लड़की है जो यहाँ हमारे झालापाटन में पटवारी के पद पर कार्यरत है, तो उनका आवेदन मेरे पास आया था, तो निश्चित इनको इनका इनाम दिलाएंगे, तो उनको भी हमने सम्मानित किया है। लोग उपस्थित हैं, नहीं लगाया है, कुछ कार्यक्रम जिले में पूर्व में भी हुए हैं जिनमें समाज में गलत संदेश दिया, तो ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। समाज से कभी भी नेगेटिव संदेश नहीं जाना चाहिए, समाज से हमेशा जब भी कार्यक्रम हो उसका सकारात्मक सहयोग संदेश समाज में जाए, कभी समाज में भेदभाव या संकुचित विचारधारा लेकर के काम नहीं करके हमें विशाल हृदय रख करके काम करना चाहिए, ताकि समाज में हम जब दावा करते हैं कि झालावाड़ जिले में एक धाकड़ समाज का विशाल समाज निवास करता है, जहां हम एक सांसद बनाने की ताकत रखते हैं, और अगर हम टुकड़ों में बढ़ जाते हैं तो फिर उस ताकत में हम कमजोर हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें एकजुट होकर के सभी लोगों को साथ चल करके और ये कार्यक्रम आयोजित करने हैं आगे भी। और इस कार्यक्रम में जिनने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनने सहयोग दिया है उनका सभी का पुनः पुनः धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय धन्यवाद। जय धाकड़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामकिशन जी। प्लीज अभी बस समापन की घोषणा ही होनी बाकी है, कार्यक्रम लगभग लगभग भोजन की घोषणा तो बन रहा है उधर, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, स्वाभाविक रूप से कुर्सियां हटेगी, भोजन यहाँ पे पत्थर लगेगी और अपन सब सा आनंद भोजन करके अपने अपने धाम को प्रस्थान करेंगे। बहुत